मैम ये बताएं, जब आप आई थी तो मुझसे चपट कर क्यों रो रही थी? सर हम हर जगह से निराश हो चुके हैं, बिल्कुल भी ये नहीं लगता था कि हर जगह जहाँ भी गए डॉक्टर के यहाँ सबने बस यही बताया कि आपके घुटने के ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं, घुटने के ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और सारे रिश्तेदार ये कहते थे कि तुम ऑपरेशन ना करो, इतना शरीर भारी है, नहीं सक्सेस होगा तो चारपाई पे ही रहोगी। बिल्कुल, घुटने का ऑपरेशन करा लेती तो आप चारपाई पे ही आ जाती। तो बस हर जिंदगी से लगता था कि हम परेशान है, जिंदगी से जिंदगी गई जी, हर चीज बेकार लगने लगी थी मुझे घर में। आज तुम हंस रही हो जब सामने ट्रीटमेंट। सर मैं दो दिन से बिना दर्द के पलंग से उठ जाती हूँ, उठ के वॉशरूम जाना या अपने लिए खाना निकालना कुछ, तो मैं दो दिन में उठ के कर पा रही हूँ। तो आपको बहुत अच्छा लगा जी? मुझे तो बहुत खुशी हुई जी, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लग रहा है कि शायद मैं पहले की तरह कर पाऊंगी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा वर्ड बोला है आपने। चल के दिखाओ मुझे, जल्दी आओ, उठ बैठ के और दिखा, लगा लगा के चल रही। सर मैं आज 10 साल से उठ के बैठी नहीं हूँ, अभी मैं बैठ सकती हूँ? आप कितने साल से नीचे नहीं बैठी हैं? सर मैं 2000 करीब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। आज बैठ जाओ, बैठ जाओ। 2014-19 मई से मैं जमीन में नहीं बैठी हूँ। झुक के देखो। अच्छा जी, अब ये बताओ खुशी कितनी हो रही है आपको? सर बहुत, मेरे लिए तो भगवान के बाद धरती पे आप ही भगवान है। अगर मैं इतना कर पाई हूँ तो मुझे उम्मीद है मैं आगे भी कर लूंगी। बस बस बस, हाँ देखिए, क्योंकि ये तो शहर में ऑपरेशन भी कराने को तैयार हो गए थे, पर मैंने कहा कि एक बार मेरे कहने से, 1.5 साल से ये देख रहे, तुम इस बार मेरे कहने से चले चलो, नहीं होगा तो फिर अक्टूबर नवंबर में ऑपरेशन करा लेंगे। देखिए तुम्हारे साथ तो हमारी भी आंखें भर जाती हैं, ऐसा नहीं है। जब आप आई हुई थी जब भी इतनी रो रही थी, और क्या नाम, अब रोने के दिन गए तुम्हारे, ठीक है? सर मेरे घर में हो रही है खाना रखा होता है, मैं निकाल के किचन से खा नहीं पाती हूँ। अब खाना निकालना, चलो बैठ बैठो। तो इन पैरों की वजह से, इन पैरों की वजह से मैं अपनी मदर इन लॉ से चाय लेती हूँ जो 105 साल की है। अच्छा देखिए, आप वो भी रो रहे हैं, उन्होंने भी ट्रीटमेंट लिया है, अब तुम्हारे वजह से बोल रहे हैं। ये काली के दो पहिए होते हैं, देखिए एक सही तो दूसरा सही। सर इनको हमेशा हर चीज हाथ में देते थे, 10 साल से ये मेरे कपड़े, मेरा पानी, मेरे जूते, बर्तन उठाते। जबकि ये बीमार है, डायबिटीज पेशेंट, साथ ब्लड प्रेशर भी आता है, बढ़ता है। हाँ ये खुद डायबिटीज पेशेंट है। अच्छा थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि ये तो खुशी में रो रही है। अब दोबारा पैरों में ताकत आ गई तुम्हारी, ठीक है? आप खुशी से जितना रो उतना रो लो। सर ये बताएं, आपने भी ट्रीटमेंट लिया तो आपको कैसा लगा? ये मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। अब काफी आराम हमें मिली है, और चाहते हैं कि आगे हमको तकलीफ न बने हमारे पास जी, जी। बहुत आराम आराम ऐसे ही रहे, नहीं ऐसे ही रहेंगे। ये तो परमानेंट इलाज है, ऐसा नहीं है कोई मतलब इस पर दोबारा ऐसे ही हो जाओगे। हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप 5-5 साल बैक हो जाएंगे, इसका वेट भी कम होगा। ऐसा नहीं है, हमने 3-3 स्टाफ इसीलिए रख रखे जिन्हें सब समझाना है बताना है, और किसी से गलत तरीके से बोलना नहीं है, अच्छे तरीके से बोलना है। अगर कोई भी तुम्हें डांट रहा है तुम चुप हो जाओ, तुम्हें डांटना नहीं है किसी को भी, क्योंकि पेशेंट अपनी बीमारी लेके बहुत गुस्से आ रहे हैं, पेशेंट का कोई माइंड सेट नहीं है, आप उसकी बर्दाश्त करें। वो डिस्टर्ब करता है, वो भी नहीं करे तो मैं करता हूँ। नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप कुछ कहेंगे ये कहेंगे, अगर हमारे स्टाफ कुछ कहता है तो फिर मैं डांटता हूँ, और मैं समझता हूँ मैं कुछ नहीं कहता जी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ नसीब हूँ जो मैं इनके पैर घुटने सही किए मैंने, और हमारे लिए आप हमारे लिए आप भगवान है जी। मैं कुछ नसीब हूँ जो मैंने इनके घुटने ठीक किए, ठीक है, और इनकी बॉडी ठीक करी। अब हाथ बातों में कहीं सब तो नहीं है, गर्दन वगैरह में आप पूछ रहे हैं? और ये एक बार ये बताया, खुशी से रो रही है या वैसे रो रही है? नहीं ये तो मेरे खुशी के आंसू है कि हम अपने पैरों पे चल के जाएंगे। बस बस बस, ठीक है, ये स्वेलिंग वॉलिंग सब उतर जाएगी अब, ठीक है।